वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीजा एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मोल्डोवा स्टडी वीजे के बारे में, यूक्रेन स्टडी वीजे के बारे में और सिंगापुर स्टडी वीजे के बारे में। तीनों कंट्री की डिटेल दूंगा दोस्तों। पहले तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो उसको प्रेस कर लीजिए। बाकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। बाकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं हम सिंगापुर स्टडी वीज़े की, उसके बेनिफिट बताऊँगा, उसके आपको सारी डिटेल बताऊँगा कैसे पाथवे कर सकते हो, ठीक है। सिंगापुर का जो स्टडी वीज़ा होता है, देखिए दोस्तों 3+9 होता है, 6+6 होता है, 6+9 होता है, अलग अलग मैटर, अलग अलग जो ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोसेस है वो 6+6 है, एक साल का वीज़ा, जिसमें कि 6 मंथ की आपकी स्टडी होती है, जो नॉर्मली आपने स्टडी करनी होती है, उसके बाद 6 मंथ की जो होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जो कंपनी यहाँ पे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग देती है उसके आपको सैलरी भी प्रोवाइड होती है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पाथवे प्रोग्रामिंग होती है, सारा कुछ उसमें होती है। अच्छे कॉलेजेस होते हैं दोस्तों, उसमें आपकी पाथवे प्रोग्राम होती है, ठीक है। जो हमारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको आइलेट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और आपको ऑप्शन भी देते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा के, ठीक है। तो सिंगापुर का ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप 6+6 पे जाते हो, तो आपके स्टडी के पैसे आप 6 महीने में पूरे कर सकते हो। देखिए जो स्टूडेंट होता है वो नॉर्मली काम तो करता ही करता है, क्योंकि अपना खर्चा निकालने के लिए सिंगापुर में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर का जो डॉलर है बहुत कॉस्टली है, ठीक है। उसमें आपको पानी भी पीते हो तो वो भी आपको खरीद के पीना पड़ता है, कुछ खाते हो वो भी आपको लेके, क्योंकि कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। अकोमोडेशन आपको 200-250 डॉलर की अकोमोडेशन पड़ जाती है, तो इसलिए ये खर्चे निकालने के लिए आपको वर्क ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए अगर आप पहले 6 मंथ काम करते हो, उसमें 800-1000 आप बेसिक सैलरी मिल जाती है आपको, ठीक है। मान के चलिए इंडिया का 50,000-60,000 आपको मिल जाता है। जो बाहर के होते हैं उनमें आपको 1200-1300 जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो एक साल के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो अपनी स्टडी, वहीं पे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन अच्छी बनाते हो तो आपको एसपास वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते, पाथवे कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों सिंगापुर का हमारे पास फुल पैकेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी दूसरा बताऊँगा यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन का स्टडी प्लस वर्क परमिट, स्टडी और TRC मिलती है। यहाँ से स्टडी वीज़ा लगता है और डी वीज़ा होता है, 3 महीने का यहाँ पे डी वीज़ा लगता है। उसके बाद वहाँ पे 1 साल की TRC मिलती है। स्टूडेंट 30 साल के जिनकी एज कम है वो स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है वो ओपन परमिट पे जा सकते हैं, ठीक है। दोनों में 1 साल की TRC है, ओपन वर्क जो परमिट है उस पर हम जॉब की भी आपको फैसिलिटी दे देंगे। स्टडी वीज़े वालों को भी जॉब की फैसिलिटी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और स्टडी वीज़े पे बेनिफिट क्या होता है, PR आप अगर आप 3 साल वहाँ पे स्टे करते हो तो PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो 3 साल के बाद। सेम ओपन परमिट वाले भी है। मेजरली आपने अपनी TRC 1 साल के बाद एक्सटेंड करनी होती है। एक्सटेंड करने के बाद 2-3 साल अगर आप अपनी TRC एक्सटेंड कर लेते हो तो आप स्टडी जो PR होता है उसके एलिजिबल हो जाते हो, TRC आपकी बन जाती है, PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहाँ पे आप अपने ID बना के वो कार चला सकते हो, ऊबर चला सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मली कम्युनिकेशन आनी चाहिए, यूक्रेन में भी पैसा बहुत है दोस्तों कम्युनिकेशन, क्योंकि रशियन यूक्रेनियन लैंग्वेज चलती है वहाँ पे। अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। बाकी आप 1-2 घंटे की क्लास होती है लगा लीजिए, उसके बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। तो यूक्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप मैरिज कर सकते हो, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ऐसे काम कर सकते हो जिनमें उनको फ़ायदा हो और उनको PR आपको देने में आसानी हो जाती है। तो ये सारा यूक्रेन का आपको प्रोसेस बता दिया है, बाकी कॉस्टिंग के लिए आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तीसरा दोस्तों मोल्डोवा, मोल्डोवा इज़ द बेस्ट कंट्री है मूव होने के लिए, क्योंकि साथ में जैसे यूक्रेन है उसके साथ में आपको पोलैंड लग गया, वीज़ा मिल जाता है, हंगरी लग गया, वैसे ही मोल्डोवा के साथ सारी शेंगेन कंट्री जॉइंट होती हैं। तो मोल्डोवा भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मोल्डोवा की जो एम्बेसी है वो इंडिया में नहीं है, वो है चाइना और कतर में, ठीक है। जो वीज़ा स्टैंपिंग होते हैं वो होते हैं कतर से। तो दोस्तों मोल्डोवा का भी सेम प्रोसेस है, यहाँ से 3 महीने का वीज़ा, वहाँ पे 1 साल की TRC आपको प्रोवाइड होती है। तो उसमें भी मोल्डोवा में हमारे पास पोल्ट्री फार्म में जॉब है, वहाँ पे ग्रेप्स फैक्ट्री में काम है, वहाँ पे प्लांट है, वहाँ पे काम है। तो मोल्डोवा में भी 30,000-40,000 बंदा स्टूडेंट आराम से कमा सकता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आपको लैंग्वेज आती है तो 50,000-60,000 महीना कमा सकते हो, ठीक है।
मोल्डोवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। अभी जा रहे हैं क्योंकि एम्बेसीज़ खुली हैं, वीज़े स्टैम्प हो रहे हैं, बंदे फ्लाइट भी हो रही है, तो सिंगापुर हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, तीनों बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों सेटलमेंट के लिए। सिंगापुर पे आप सेटल नहीं हो सकते, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंगापुर पीआर के लिए कोई ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो जो पीआर के लिए ऑप्शन देता है वो यूक्रेन और मोल्डोवा पीआर के लिए ऑप्शन देता है। अगर आप वहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, शेंगेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपके अकाउंट में 2000 यूरो होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका वहाँ का नंबर होना चाहिए। वीज़ा आपको मैं करवा के दे दूँगा, शेंगेन वीज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। वो भी बता दूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वीज़ा लेने के लिए। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। मोल्डोवा भी अच्छा आप अर्न कर सकते हो, अच्छी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, अच्छा माहौल है, अच्छा कल्चर है। तो यूक्रेन भी सेम चीज़ है। तो कोई भी अगर आप सिंगापुर में स्टडी करना चाहते हो, यूक्रेन में करना चाहते हो या मोल्डोवा में करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। बाकी सारा दोस्तों कुछ आपको नहीं समझ लग रहा तो कॉल और व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे न्यू चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।